नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस हफ्ते हमारे मेहमान हैं जल तरंग वादक। जी हाँ, रागगिरी के प्लेटफॉर्म में पहली बार किसी जल तरंग वादक का इंटरव्यू हम कर रहे हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि वो इस देश के जाने माने जो चुनिंदा जल तरंग वादक हैं उनमें बहुत ही जाने माने कलाकार हैं, श्री मिलिंद तुलांकर जी। पिछले हिस्से में आपने उनके संगीत सफर के बारे में जाना, शुरुआती दिनों के बारे में जाना, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जाना। इस हिस्से में खास तौर पर बात करेंगे उनके गुरुओं पर। देखिए, ये दूसरा हिस्सा। चलिए मिलिंद जी, अब इस इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में आते हैं, और दूसरे हिस्से में जो पहला सवाल है मेरा वो यही है कि परिवार में जिस तरह की बात हम लोग पिछले हिस्से में कर रहे थे कि परिवार में माँ, पिताजी, बाबा, दादा, मतलब हमारे यहाँ दादा भी कहते हैं, वैसे तो बाबा भी कहते हैं, नाना, सब लोग संगीत से जुड़े हुए रहे। इसके बावजूद, मतलब मैं अभी उस्ताद शाहिद परवेज पर नहीं जा रहा हूं, उन पर बाद में आऊंगा, लेकिन क्या इसके अलावा भी आपको गुरुओं, बाहर, घर से बाहर जाकर कुछ सीखने की जरूरत महसूस हुई उस्ताद शाहिद परवेज के तक जाने से पहले? मैंने उसके पहले जब मैं वोकल में बीए कर रहा था अमरावती यूनिवर्सिटी में, तब जहाँ वहाँ पे जो दो तीन लोग थे सिखाने वाले, तो उनसे भी मैंने सीखा। और मेरा सबसे ये अच्छा था, यानी एडवांटेज ये था कि मैं हारमोनियम की संगत कर लेता था किसी की भी, बहुत बचपन से। तो वो संगत के लिए मुझे जो जो लोग बुलाते थे, अपने आप उनसे सीखने को मिलता था कि अरे ये राग तो पहले बजाया नहीं, देखते कैसे चलता है। तो ऐसे में काफी सारा कुछ सीखने मिला। और जब अमरावती से मैं पुणे आया, तो मुझे यानी सिर्फ जलतरंग के लिए, म्यूजिक के लिए, तो फिर काफी बार उससे पहले शाहिद जी का सितार सुना था। और हमारा मेरा सौभाग्य ऐसा है कि एक फ्लाइट में हमारी मुलाकात हुई। मैं मलेशिया में म्यूजिक टीचर के तौर पे था 6 महीने के लिए, और मैं वहां से वापस आ रहा था, और वही फ्लाइट में उस्ताद जी आ गए फ्लाइट में। और उसके पहले मैं बहुत सोचता था कि इनके यहाँ जाए तो कैसे जाए, कोई लेके जाए, उनको इंट्रोड्यूस कराए, लेकिन नहीं जम रहा था। लेकिन जब भगवान की इच्छा रहती है तो कहीं से भी हो जाता है। और जब और 2-3 घंटे फ्लाइट में इतनी अच्छी बात हुई, तो हमारे एकदम एकदम मजा आ गया। और फिर मैं उनके पास 6-7 साल जाता था, जब वो पुणे में थोड़ा शांति से रहते थे। अभी आते हैं और कभी आते हैं कभी जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो लेकिन बहुत बहुत सीखने को मिला, बहुत। मैं चाहूंगा कि इसी कंटिन्यूएशन में आप ये भी बताएं कि एक सितार वादक के तौर पर हम सब लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बहुत सम्मान, बहुत प्यार उनको मिला है, लेकिन एक एक गुरु के तौर पर, एक इंसान के तौर पर, जब आपने 6-7 साल उनके साथ बहुत क्लोजली समय बिताया, क्या पाया, क्या क्या अलग है उस्ताद शाहिद परवेज में जो उनको इतना प्यार, इतना सम्मान और एक अलग जगह पर खड़ा करता है? नहीं, वो बहुत ही परफेक्शनिस्ट है, और उनका मैंने देखा है कि मेमोरी जो है वो अलग ही है कुछ। यानी हम जैसे एक फाइल कंप्यूटर में से निकालेंगे और वो देख लेंगे, वैसा उनका कुछ काम है, और हर चीज में परफेक्ट। तो उनके बारे में क्या हम क्या बताएं, एक बहुत ही बड़ी हस्ती है। और मैं मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि उनके साथ कुछ अच्छा टाइम मुझे बिताने को मिला और बहुत सीखने को मिला। और कुछ खास बातें जो उन्होंने बताई हो आपको कि मिलिंद, अगर एक बड़ा कलाकार बनना है, हालांकि आप जिस परिवार से आते हैं उस बैकग्राउंड में ये तो बचपन से ही बताया गया होगा कि एक कलाकार के लिए सहज रहना बहुत जरूरी है, अब अल्टीमेटली आपका रियाज ही आपके काम आएगा, इस तरह की बातें तो परिवार में आपने बचपन से सीखी होंगी, लेकिन गुरु के तौर पर उस्ताद जी ने कुछ ऐसा बताया हो, कुछ लिस्ट बताई हो कि ये करना है, ये नहीं करना है, या कोई ऐसा किस्सा बताया हो किसी बड़े कलाकार का जो आप हमसे साझा करना चाहें? पहले तो उन्होंने मुझे सबसे पहले बताया था कि जलतरंग एक अभी मुश्किल चीज है, कि तुम करने जा रहे हो तो दो ही चीजें हो सकती है, या तो कुछ भी नहीं होगा या बहुत ऊपर चले जाओगे। तो ये सबसे पहले उन्होंने मुझे बताया था, तो मैंने बोला कि गुरुजी अभी
मेरे पिताजी भी सितार बजाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है सितार बजाना भी, लेकिन जलतरंग तो कोई नहीं बजाता, मैं वो करना चाहता, मतलब बिल्कुल आगे बढ़ो और मेहनत करो लगन से तो हो जाएगा। अच्छा मिलन, जब जब इस तरह का कोई साज आप पकड़ते हैं, जिसको आपने ही शुरू में, हम लोगों ने पिछले हिस्से में बात की तो आपने कहा कि 7-8 लोग बजाते होंगे, हम लोग 20 तक जाते हैं, चलिए 100 तक चले जाते हैं, हम कह रहे हैं, चैलेंजेस कैसे रहते हैं, मतलब किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, सोलो कार्यक्रम कितने मिलते हैं, कितनी बार संगत में काम करना पड़ता है, और ज्यादातर मौके पे तो कीबोर्ड से लोग काम चला लेते हैं, मेरे तो कितना चैलेंज है इस इंस्ट्रूमेंट को कैरी करना? नाना जी बोलते थे कि आप अपना काम पूरा मन लगा के करिए, अपने आप रास्ता निकलते जाएगा। तो मैं जब 93-94 में पुणे आया तो मैंने मन में तय किया था कि यहाँ पे मैं हारमोनियम बजाता हूँ, ये किसी को बताना ही नहीं है, नहीं तो उसका ही काम रोज का शुरू हो जाएगा। और एक बार किसी को हाँ बोल दिया, डेट दे दिया, तो फिर पीछे भी नहीं हट सकते हैं। तो पहले 10 साल मैंने काफी स्ट्रगल किया, 10 साल तक मैं मेरा गाने का किसी को बताया नहीं, मेरा म्यूजिक कंपोजिशंस का किसी को नहीं बताया, और जलतरंग के लिए राह देख रहा था मैं। तो उस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि लोगों के लिस्ट में जलतरंग था ही नहीं। कैसे ये लोग जो जैसे कोई कॉन्फ्रेंस अरेंज करते हैं तो वो मीटिंग में बोलते हैं कि सितार यार हो गया लास्ट ईयर, अभी इस साल बांसुरी रखते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट का जो एक लिस्ट है उसमें जलतरंग किसी के मन में ही था नहीं, तो उसको उनके लिस्ट में लाने के लिए 10 साल चले गए। और फिर जो शुरू हुआ अच्छा, यानी लोगों को पता लगने लगा कि कोई जलतरण कर रहा है ऐसा, यानी मेरा एक एक अभी मुझे किस्सा याद आया कि मैं अभिषेकी पंडित जितेंद्र अभिषेकी महोत्सव गोवा में होता है उसमें बजा रहा था, और मेरा सौभाग्य है कि राजन साजन जी का गाना भी उसी दिन था, अजय पोहनकर जी का भी था, वो मेरे बाद उनका ही था, और ये सब लोग सामने बैठे और मैं जलतरंग बजाया। तो मैं ग्रीन रूम में जलतरंग को पैकिंग कर रहा था तो पंडित जी खुद ग्रीन रूम में आए मुझे मिलने, राजन जी, और तो बोले यार आपने तो साथ जिंदा कर दिया, हम सोच रहे थे कि खत्म हो गया ये। तो ये ऐसी जो बाद में जो, तो ये 10 साल फिर कहाँ गए मुझे पता ही नहीं चला कि इतना लोगों से ऐसे जो कमेंट्स मिलते हैं, ऐसे जो, और उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको बुलाएंगे, जलतरंग बजवाएंगे, और 6 महीने के अंदर मैंने वाराणसी में मुझे मेरा प्रोग्राम रखा। यानी बातें तो बहुत लोग करते हैं लेकिन वो उसका यानी सत्य परिस्थिति उसकी, 6 महीने के अंदर उन्होंने मुझे वाराणसी में, उन्होंने एक परिक्रमा प्रोग्राम किया था सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे तक, तो काफी सारे इंडिया के बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, तो उसमें उन्होंने, और सबसे प्राइम टाइम में जलतरंग रखा कि बोले हमारे पहले लास्ट आप बजाइए तब सबसे ज्यादा लोग, यानी कभी सुबह की शुरुआत में बजवा दिया होता तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो ऐसी फिर ये जो स्ट्रगल था उसका फिर कुछ नहीं लगता, ऐसी जब बातें होती है आगे। ऐसे अंजद अली खान साहब का एक वर्कशॉप हुआ पुणे में, तो मैं जलतरंग लेके तो पार्टिसिपेंट के तौर पे, तो जब उन्होंने एंट्री किया मैं जलतरंग अपना पूरा सेट करके तैयार था, वो तो देखते देखते अच्छा जलतरंग भी है, ऐसा देखते देखते गए। और जब वो वर्कशॉप का समापन हुआ तो मुझे बिना बताए उन्होंने डायरेक्टली अनाउंस कर दिया कि आज समापन में जलतरंग बजाएंगे मिलिंद जी, मिलिंद भाई आपने जलतरंग बजाया, और साथ में बैठ के मेरा जलतरंग मेन स्टेज पे सुना। तो ऐसी जब बातें होती है तो वो स्ट्रगल का पीरियड कुछ खास नहीं लगता। आपने जिन दो कलाकारों का जिक्र किया, मतलब दो, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राजन साजन जी को तो एक ही मानता हूँ मैं, और हाँ अमजद अली खान साहब तो निश्चित तौर पर, ये दोनों ही जितने सहज हैं, और जो बात अभी हम लोग कर रहे थे, मतलब
ये दुर्भाग्य है हमारा कि राजन जी कोरोना में हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जिस तरह से आप ये समझिए कि रागगिरी अगर आज इतने उठापटक और इतने संघर्ष के बाद भी रागगिरी में चाहे हम प्रोग्राम कर लें, चाहे बच्चों के लिए कुछ कर लें, या ये प्लेटफॉर्म चला लें, या ओल्ड एज होम में और कैंसर सेंटर्स पे कुछ कर लें, इन सब में बड़ा आशीर्वाद है इन तीनों ही कलाकारों का। और राजन साजन जी और अमजद अली खान साहब तो बिल्कुल एक तरीके से इस संस्था के आप कह सकते हैं अभिभावक की तरह है। और जी अभी कुछ दिन पहले साजन जी का इंटरव्यू भी मैंने किया था इसी इसी प्लेटफॉर्म के लिए अपने, तो बिल्कुल जी घर जैसे संबंध हैं। और ये बात जी आपने बिल्कुल सही कही कि जब कोई इस इतने बड़े कद का आदमी आकर और आपके पीठ पर हाथ रखे और कहे कि अरे वाह बहुत अच्छा कर रहे हो, तो वो तमाम संघर्ष जी बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कपूर उड़ जाता है हवा में ना, हाँ बिल्कुल उस तरह से एकदम बिल्कुल पटाख से चले जाते हैं। खैर अब मिलिंद, आप मतलब एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि आप नई पीढ़ी के कलाकार हैं, नई पीढ़ी के इस लिहाज से कि आज YouTube का जमाना है, ट्विटर का जमाना हाँ है, सोशल मीडिया का जमाना है। आप पर्सनली इस इंस्ट्रूमेंट को, जो बात आपके नाना जी ने कही थी कि हाँ ये कुछ दिन बाद म्यूजियम में रखा मिलेगा, ऐसी जी स्थिति ना आए इस इंस्ट्रूमेंट की, इसके लिए आप किस तरह के प्रयास कर रहे हैं? एक किताब आपने लिखी है ये तो मुझे पता है, उसके अलावा? किताब मैंने नहीं नाना जी ने लिखी, अच्छा, मैं नाना जी की उसमें किताब है वो। हाँ सो मैं था साथ में उनके। तो मैंने 2000 ये तो अभी वेबसाइट और ये तो अभी चलन हो गया, मैंने 2000 में ही मेरा jaltarang.com बनाया था। यानी तब इतनी इतनी मुश्किल थी ये सब करने की, क्योंकि तो वो डेवलपर नहीं मिलते थे, उसके चार्जेस बहुत ज्यादा होते थे। और सबसे पहले मैं 97-98 में जलतरंग का कैसेट बनाने का सोच रहा था कि मैंने काफी सारे कंपनी से बात की, वो बोले कि नहीं कोई खरीदता नहीं। मैंने बोला यार ऐसा नहीं है, खरीदता नहीं है, नहीं है आपके पास है नहीं है, आप काउंटर पे रखेंगे तो खरीदेंगे ना लोग। तो फिर मैंने अपना खुद का एक सीडी बनवाया, रिकॉर्डिंग किया खुद का, और उसका मैंने खुद मार्केटिंग भी किया। मेरे पास तब 2 व्हीलर था एक, मैं खुद लेके जाता था शॉप्स में, और 10-10 सीडीज जिस जहाँ पे क्लासिकल का ज्यादा चलन होता है, 10-10 सीडीज दे के आता था। फिर फाउंटेन म्यूजिक के जो कांति भाई जो है उनको दिखा एक कि कोई बहुत अच्छा डिमांड में ये जलतरंग कुछ खरीद रहा है कोई, तो फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरे 8-10 सीडीज VCDs भी मैंने उनको बोला कि दिखना भी चाहिए, तो VCDs भी जलतरंग का पहला VCD अभी इसके पहले किसी का नहीं था, मेरा ही है। तो VCDs भी उन्होंने निकाले। फिर मैंने ये सारे प्लेटफॉर्म्स का जितना हो सके यूज करके जलतरंग को लोगों तक पहुंचाया। और दूसरी बात, मैंने डुएट्स बहुत किए, यानी जलतरंग सुनने के लिए कोई ना आए, बांसुरी सुनने के लिए आए तो उसके साथ जलतरंग का डुएट, तो एड ऑन मिल जाएगा लोगों को कि बांसुरी सुनने आए थे लेकिन उसके साथ जलता रहे। तो आपको आश्चर्य लगेगा मैंने वोकल के साथ, मंजूषा पाटिल जी के साथ जुगलबंदी की है, वोकल के साथ, सितार के साथ पंडित डॉक्टर हरविंदर शर्मा चंडीगढ़, उनके साथ मेरा 2-3 सीडीज है, एक फाउंटेन नहीं निकला है। फिर हमारा एक टूर भी उनके साथ हुआ 2-3। फिर कथक के साथ आप नहीं सोच सकते, पंडित राजेंद्र गंगाणी जी के साथ मेरा डुएट है, और वो ये सारा यूट्यूब पे अवेलेबल भी है। थोड़ा थोड़ा डुएट्स करके मैं ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश किया। और आपने, आपकी बातों में मुझे वो कैंसर पेशेंट्स का कुछ आया, तो वो भी मैं बता दूं कि म्यूजिक थेरेपी के लिए जलतरंग बहुत एक अहम इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इसमें ऐसा है कि हमारे बॉडी में जैसा 70%, 75% पानी होता है, वैसे ये इंस्ट्रूमेंट में ही है खुद, तो इसका बहुत ज्यादा गहरा असर अपने ब्रेन पे या बॉडी पे आता है। तो मैं काफी 12-15 साल से ये हमारे पुणे में जो जो लीडिंग हॉस्पिटल्स है वहाँ पे जाता हूँ, और म्यूजिक थेरेपी और स्पेशल बच्चों के लिए भी ये म्यूजिक थेरेपी का काम काफी साल से कर रहा हूँ। टाइम्स म्यूजिक ने मेरा एक हीलिंग जल नाम से एक सीडी भी निकाला, उसमें 6 ट्रैक मैंने हीलिंग के तौर पर बनाया है।
आखिरी सवाल के तौर पर मैं मिलिंद जी यही जानना चाहूंगा, जो आपने भी जिक्र किया, सितार के साथ जल तरंग या बांसुरी के साथ जल तरंग, ये तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन कथक के साथ जल तरंग, ये तो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। ये कैसे कैसे डेवलप किया और कैसे निभाया आपने? एक्चुअली यहाँ पे पुणे में एक दो कथक के जो क्लासेस थे, वहाँ पे एक टीचर ने मुझे बोला कि कुछ साथ में करते हैं। मैंने बोला बिल्कुल, मैं तो हर चीज के लिए तैयार रहता हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि लोग बोलेंगे कि नहीं जमा यार, बस इतने इसके आगे क्या हो सकता है। तो मैं ऐसे मुझे अच्छा लगता है चैलेंजिंग की सितार के साथ। अब सितार वाले ने अगर एक आधा मींड का कुछ कर दिया तो मैं कुछ नहीं बजा सकता उसके बाद तो। लेकिन ये भी है कि जल तरंग में जैसे मैं चार स्टिक्स अगर ले लूं, दो दो हाथ में दो, तो मैं चार सुर एक साथ बजा सकता हूँ, ये दूसरे इंस्ट्रूमेंट में नहीं हो सकता। तो हर चीज हर एक इंस्ट्रूमेंट में अलग होती है। तो मैं जल तरंग के बारे में एकदम अच्छा लगता है मुझे कि नहीं, ये चैलेंज हम कर लेंगे। तो वो कथक जल तरंग जो किया वो इतना अच्छा लगा लोगों को कि फिर मैंने पूना के करीब 5-6 अच्छे गुरु है उनके साथ किया। और जब मैं नाना जी के याद में एक प्रोग्राम करता हूँ हर साल पूना में। यानी आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट वाला जो राजन साजन जी का पूना में प्रोग्राम हुआ वो मैंने ही किया था जनवरी में। तो उसके बाद तो पंडित जी ने गए, तो मैंने राजेंद्र गंगणी जी को पूछा कि हमारे ये साल में एक प्रोग्राम होता है, उसमें आप प्रस्तुति देंगे क्या? वो हाँ, बोले हम करेंगे। मैंने बोला कि हम साथ में कुछ करना चाहते हैं। अरे बोले बिल्कुल, अच्छा है, जल तरंग के साथ तो कभी हुआ ही नहीं। तो वो उनको इतना अच्छा लगा कि अभी हमारे काफी सारे प्रोग्राम हुए, और दिल्ली में भी उन्होंने कमानी में एक अच्छा प्रोग्राम, मैं, तौफिक भाई, रामदास जी पसुले और गंगाणी जी और फतेह भाई सब ने मिलके, तो बहुत अच्छा पत्ते के साथ। रामदास भाई आप सॉफ्ट सॉफ्ट टेका रखेंगे, और मिलिन भाई मैं जल और घुंघरू और तरंग।
मिलिन जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और दोनों ही हिस्सों में बहुत दिलचस्प बातचीत हुई। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से लेकर आपके नाना जी, दादा जी, माँ, नानी, सबके बारे में इतनी विस्तार से चर्चा हुई। जल तरंग के पूरे साज को हमने समझा, और जो बात आपके नाना जी ने कही थी वो बात अब भी कानों में गूंज रही है कि इसको बचाना, ये कहीं म्यूजियम का हिस्सा बनकर ना रह जाए। तो हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि उनका उनका जो डर था, उनकी जो आशंका थी, वो अगले कई हजार सालों तक सच साबित ना हो। ये इंस्ट्रूमेंट, इसकी आयु ऐसे ही बनी रहे, और ऐसे ही आप जैसे जो गुणीजन सुधीजन हैं, वो इस इंस्ट्रूमेंट के साथ अपनी कला को हम सबके सामने रखते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, और ढेर सारी शुभकामनाएं।